चल 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 सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की झलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। कैसे बताता देती मैं, भाभी पहली अमर भैया को लेकर इतनी परेशान है और तुमने सुना है वो कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं और ऊपर से भाभी को हमारे बारे में बताना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूं उन्हें, इसलिए कि मैं अदिति को खोना नहीं चाहता, कहीं मुझे अदिति से प्यार तो नहीं हो गया है। 9 दिन बाद शिवम की 13वीं है, कहीं ऐसा ना हो गौरी उस दिन अपने ब्याह की जिद कर बैठी। पंडित जी, मुझे किसी और के नाम से भी पूजा करानी है। किसके नाम की पूजा करानी है? एक लड़की है, उसे मैं उतने अच्छे से तो नहीं जानती, पर ये जानती हूँ कि वो बेचारी आज बहुत मुश्किल में है। उसका नाम है गौरी, शंभुनाथ जी उसकी रक्षा करें, एक पूजा उसके लिए कर दीजिए। हाँ अमर भैया, आप डील की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने उन लोगों से मिल भी लिया और बात भी हो गई है। हाँ घर पे सब ठीक है, भाभी और अदिति बाहर मंदिर गए हैं, शायद अभी तक आए नहीं है।
हाँ मैं कह दूंगा, रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। भारत वो भारत? जी पापा। क्या बात है बेटा, किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं तो किसी का भी नहीं, मैं तो अमर भैया का फोन आया था, उनसे बात कर रहा था। अदिति मंदिर गई है, बस आती ही होगी। हाँ मंदिर गई है। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरे बेटे को किसी से प्यार हो गया। जी? छुपाओ मत, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे कुछ काम है पापा अंदर, मैं पूरा करके आऊँ। ठीक। पता नहीं ये लड़का शर्माना कब छोड़ेगा। एक्चुअली मैं ये वॉलेट वापस देने आया था, शायद इन लोगों का मंदिर पे ये वॉलेट गिर गया था। धन्यवाद, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। थैंक यू। अब वैसे किसका घर है ये? सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अमर उपाध्याय। थैंक यू। शांता काकी, बिंदु की शादी है ना? वो तो हम जानते हैं। आइए आइए, आप हमारे साथ आइए, आइए आइए, हमारे पास आपके लिए, बिंदु के लिए कुछ है। क्या कर रही है? शांता काकी, थोड़े से गहने दे रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे हैं, आप रख लीजिए। नहीं बेटा, बहू जी ने तो मना कर दिया और चेतावनी भी दी है किसी से कुछ नहीं मांगने की, पर प्रधान जी बुरा मान गए तो? हम उनसे बात करेंगे, बाबा साहब हमारी हर बात समझते हैं, ये बात भी समझेंगे। लीजिए ना। पर जी आप पे गुस्सा हो जाएंगे तो थोड़ी सी डांट खा लेंगे, वैसे भी सर्दियों के मौसम में डांट सेहत के लिए अच्छी होती है। चलिए अब आप इसे रख लीजिए और बाकी सारी चिंता छोड़कर बिंदु की शादी की तैयारियां कीजिए, और किसी और चीज की जरूरत हो ना तो हमसे मांग लेना। धन्यवाद बेटा, शंकर भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता
तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से मरना जाओ कहीं मरना जाओ कहीं ओ के तुम से जुदा सॉरी मैंने अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो मैं और आवाज नहीं करूंगी आप अपना काम कर लीजिए मैं तो बस जा ही रही कमरे से तो चली जाओगी पर मेरे मन में फिर भी मुनमुनाती रहोगी वहां से कैसे निकालूं तुम्हें मां साहब कहां थे आप हमने आपसे कहा था कि दाल बाटी चूरमा बनाने में हमारी मदद कीजिएगा लेकिन जब हमने बनाना शुरू किया तो आपका तो पता ही नहीं इसलिए हमने खुद ही बना लिया चलिए अब चक्कर बताइए कैसा बना बचपन में तो वो पूरी की पूरी हांडी खा जाया करते थे जब आप बनाते थे वैसे तो हमने भी आपके ही तरीके से बना है लेकिन शायद इसमें आपके हाथों का स्वाद नहीं है चक्कर बताइए ना उन्हें पसंद आएगा या नहीं अच्छा ही होगा ले जाओ केवल देखकर आप कैसे बता सकती हैं एक चम्मच खाकर तो देखिए ना क्या बात है मासा क्या हुआ गौरी स्वाद जिसे चखाना चाहती हो वो अंदर कमरे में है लेकिन वापस आओ मासा को गौरी जाओ देखकर आओ उसे जी मिस्टर मेहता आई नो मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट बट अमर भैया नहीं है जैसे कि वापस आ जाएंगे हम मीटिंग अरेंज कर लेंगे या थैंक यू दीदी शादी के सामान खरीदी ही जा रही सोचिए जरा हम उस बारे में बाद में बात करें प्लीज तक आपको मैंने जितना जाना है उससे मैं एक बात समझती हूँ कि आप कभी भी सच्चाई से भागते नहीं उसका सामना करते हैं जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे तब आपने मेरी मदद की मेरी मुश्किल समझी पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अभी इतना झिझक क्यों रहे हैं अब आप ये मत कहिएगा कि आप अपने परिवार को हर्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप खुद भी जानते हैं ये बात कि जिस दिन उन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा
दुख तो उन्हें होगा ही ना। बात क्या है भारत, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? भारत क्या बात है, आप बताइए तो सही। इनफ अदिति, इनफ। बार बार एक ही सवाल करती रहती हो तुम, और भी काम है मेरे पास। देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है। ये कागज हम रख देते हैं। गौरी, गौरी। गौरी, इन्हें रहने दीजिए। गौरी हमारे, गौरी ये सब आपने लिखा है? बाबा साहब सही कहते थे, पढ़ लिखकर हम बहुत आगे निकल गए हैं। पढ़ लिखकर इंसान आगे तो निकलता ही है ना। वैसे हमें एक बात बताइए, आपकी मासा को क्या हुआ है? हमने तो सिर्फ उनसे एक चम्मच चखने के लिए कहा था, उन्होंने तो चम्मच ही ढकेल दिया। जरूर किसी बात पर नाराज है हमसे, पर कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर उन्हें मना लेंगे। हम फिर बोलने लगे, आप खाइए ना, लीजिए। हाथ को क्या? क्या हुआ हाथ को? इधर गौरी, इधर दिखाई। कैसे लगी? कैसे लगी गौरी, कैसे लगी आपको? हमारे बनाए हुए खाने से आपको खांसी आई, इसलिए हमने अपने आप को सजा दी। गौरी अब हम ठीक है, दो पल के लिए तो आप ठीक नहीं थे ना। आप पर दो पल की तकलीफ भी हम नहीं देख सकते। अगर कोई भी आपको तकलीफ देगा तो उसे सजा भुगतनी होगी। फिर चाहे वो खुद हम ही क्यों ना हो।